वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। एम्पिटेड ग्रेड वन मेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड रिवीजन क्लास में हम आज यूनिट 17 और 18 आपका डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोज और पोएट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप सभी के लिए आज के इस रिवीजन क्लास में होगी। इससे पहले हमने 19 और 20 यूनिट को डिस्कस कर लिया है अपने मैराथन क्लास रिवीजन क्लास में, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जिस पार्ट को पिक करेंगे दैट इज पोएट्री। वो पोएट्री में आप जो देखोगे उसमें आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो मिलेंगे वो सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम से रिलेटेड मिलेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, रिवीजन क्लास ऑफ एम्पिटेड ग्रेड वन मींस इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम बात की गई। चलिए क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन ईट्स पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम रेफर्स टू हिमालय, एथेंस, कॉन्स्टेंटिनोपल या जेरूसलम। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटिनोपल को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इज सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाई मॉडर्निज्म बिकॉज इट इज एम्ब्रेस द रिदम्स एंड डिक्शन ऑफ कॉमन मैन स्पीच, या वॉज रिटन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, या है अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मॉडर्निस्ट हाई कल्चर, डू नॉट एम्प्लॉय राइम। तो ये क्या है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ मॉडर्निस्ट हाई कल्चर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था तो सी करेक्ट होगा। नंबर थ्री को देखते हैं, डब्ल्यू बी ईट्स यूज्ड फ्रेज द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी इज इन द पोएम, इन हिज पोएम, किस पोएम में, ये एक मेटाफर है, मेटाफरिकल आपका ये लिटरेरी डिवाइस है, तो ये किस पोयम में यूज हुआ है, अभी हमने पढ़ा था, तो सेलिंग टू बाइजेंटियम में ये यूज हुआ है। तो ऑप्शन हमारा जो क्या है, ऑप्शन हम ए को करेक्ट करेंगे, सेलिंग टू बाइजेंटियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेम द 9th सेंचुरी बाइजेंटियम एम्परर रेफर टू इन द पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम, एम्परर पोयम किसका रेफरेंस मिल रहा है इस पोयम में सेलिंग टू बाइजेंटियम में, थियोडोर, थायरिसिस, थियोफिलस या है थ्रेस्टकॉटिक, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थियोफिलस, थियोफिलस इज द आंसर, ऑप्शन सी, इस रोमन एम्परर का रेफरेंस है इस पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम में। नंबर फाइव भी है, वेयर इज बाइजेंटियम लोकेटेड, बाइजेंटियम कहाँ पे है लोकेटेड, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सी इज द आंसर, टर्की, इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल में, टर्की में लोकेटेड है, टर्की कंट्री में, इस्तांबुल सिटी में। अगला नंबर सिक्स क्वेश्चन है, द फोर्थ स्टैंजा ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम अनरोल्स द स्पेक्टेकल ऑफ रोमन एम्पायर द गार्डन ऑफ ईडन, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, थियोफिलस एंशियंट रोमन एम्परर की बात हो रही थी एंड दैट्स व्हाई फोर्थ स्टैंजा में दो स्पेक्टेकल ऑफ एम्परर ऑफ एंशियंट ग्रीस के बारे में यहाँ पे सेलिंग टू बाइजेंटियम में बोला गया है। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ मेनी स्टैंजास आर इन द पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम, कितने स्टैंजास हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम में, 4, 5, 6 या है 7, तो ये है स्टैंजास, ऑप्शन ए, 4 स्टैंजास में ये पोयम डिवाइड है। नेक्स्ट है, डब्ल्यू बी ईट्स वॉज एन अमेरिकन राइटर, आयरिश राइटर, ग्रीक राइटर या कैनेडियन राइटर, तो आप सभी जानते हो डब्ल्यू बी ईट्स आयरिश ब्रिटिश राइटर थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर नाइन है, हाउ मेनी लाइन्स आर इन ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये पोएम किस में लिखी है, ओटावा राइमा में लिखी गई है, इसलिए इसमें कितने लाइन्स होंगी, 8 लाइन्स होंगी, तो ईच स्टैंजा में कितनी लाइन्स का डिस्क्रिप्शन है, कितनी लाइन्स में पर स्टैंजा डिवाइडेड है, दैट इज इन 8 लाइन्स, ऑप्शन बी। 9 के बाद 10 है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम, ए बी ए बी सी सी ई ई या ए बी ए बी ए बी बी बी, ए बी ए बी ए बी सी सी या नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ओटावा राइमा का जो आपका सीक्वेंस होता है, राइमिंग सीक्वेंस होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ लाइन जो होगी आपकी वो राइम करेगी एक दूसरे से, 6 के बाद सेकेंड फोर्थ एंड 6 लाइन्स राइम करती हैं, लास्ट में कपलेट होता है, लास्ट में दो लाइन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से राइम करती हैं, दैट इज दी ओटावा राइमा या जो सेलिंग टू बाइजेंटियम में ये पोयम लिखी गई है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी ए बी सी सी का है। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, द सेलिंग टू पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम इज कंपोज्ड इन,
ये फ्री वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में ओटावा रायमा में नन ऑफ दीज हमने बात की ऑलरेडी, ये डिस्कस करा है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप सभी के सामने है, ओटावा रायमा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेलिंग टू बाइजेंटियम वाज पब्लिश्ड इन, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, तो आपको बताना है कि ये कब पब्लिश हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1918, 1923, 25 या 1928, तो ऑप्शन डी है 1928 वाज द ईयर व्हेन दिस पोएम वाज पब्लिश्ड, सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय डब्ल्यू बी ईट्स। नंबर 13, इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम द बेस्ट द पोएट प्रेजेंट्स द विजन ऑफ हेवन हेल डैमसल या गार्डन, तो ये क्या प्रेजेंट करता है, हेवन का जो है स्पिरिचुअलिटी का है उसके बारे में सेलिंग टू बाइजेंटियम में पोएट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है विजन ऑफ हेवन। नेक्स्ट नंबर पैराडाइज हेवन ये बात हुई है तो वो वहां पे इसके बारे में ही बात कर रहा है। नंबर 14, इट्स Sailing to Byzantium is about Irish culture, the art and culture of Byzantium in general, Irish revolutionaries या regenerating the art and culture that existed in Byzantium. तो ये है option D, regenerating the art and culture that existed in Byzantium. Option D is the answer. जो Sailing to Byzantium poem है it's किसके बारे में इसमें बात की है, regeneration के बारे में की है, कहाँ पे Byzantium city में, क्योंकि वहाँ पे फिर से एक जो है जो एक प्रॉमिसिंग ओल्ड पर्सन है वहां पे जाकर के उसको रिविजिट कर रहा है और रीजनरेट कर रहा है वहां के आर्ट एंड कल्चर को, क्योंकि वहां पे वो फ्रीली इन सब चीजों को एंजॉय कर सकता है, उसकी भी चीजों की वैल्यू होगी, जो वो करेगा काम उसकी वैल्यू होगी जहां पे वो जा रहा है एंशियंट ग्रीक सिटी बाइजेंटियम में। 15th क्वेश्चन वी हैव, डब्ल्यू बी ईट्स इज द को फाउंडर ऑफ थिएटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके लिटरेरी करियर से रिलेटेड है, एबे फोकस गेटी या आपका है डैमर, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, एबे एबे थिएटर, ठीक है, यहाँ पे हम ए डबल बी ई वाई एबे थिएटर को डैश में यहाँ फिल करेंगे। 16, वी हैव द क्वेश्चन, विच थिएटर इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड, क्योंकि देखिए एक तरीके से आयरिश जो कल्चर था उसको अपने लिटरेचर में जो अडॉप्ट करा है या जिसका रिवाइव करा है एक तरीके से वो थे डब्ल्यू बी ईट्स, तो आयरिश कल्चर को अपने लिटरेचर में रिवाइव करने का जो एक तरीके से आप कह लो वो क्रेडिट किसे जाता है, दैट गोज टू डब्ल्यू बी ईट्स। तो यहाँ पे इन्होंने आयरिश कल्चर आयरिश जो लिटरेचर है उसके लिए बहुत काम किया, उसके आर्ट के लिए बहुत काम किया और वहाँ पे इन्होंने थिएटर ओपन करा जो नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के नेम से जाना जाता है। आपको बता रहा है वो कौन सा थिएटर था, ड्रमर थिएटर, ओला मैक्सिमा थिएटर, सिविक थिएटर, एबे थिएटर, तो उन्होंने क्या को फाउंडर थे एबे थिएटर के, तो इसी को नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड बोला जाता है, ऑप्शन डी। 17, डब्ल्यू बी ईट्स वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं, तो ये 1921, 23, 25 या 26 है, ऑप्शन बी। जॉन गॉल्स वर्दी को किस ईयर मिला था, 1932 में, इसका रिवर्स है, 23 का रिवर्स 32, तो जॉन गॉल्स वर्दी वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज, दैट वॉज इन द ईयर 1932। एंड डब्ल्यू बी ईट्स, इन दोनों में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दोनों को दे सकते हैं आपके ऑप्शन में से, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होगा। 23 का टाइम था जब नोबेल प्राइज मिला है डब्ल्यू बी ईट्स को, और 32 का टाइम था 1932 का जब मिला है जॉन गॉल्स वर्दी को। नंबर 18, व्हेन वाज डब्ल्यू बी ईट्स बॉर्न, 1865, 1866, 1868 या 71, तो वो ऑप्शन है 1865। नंबर 19, द टावर 1928 इज अ बुक ऑफ अ पोएम बाय डब्ल्यू बी ईट्स, वॉल्ट विटमैन, फिलिप लॉकिन या रूपर्ट ब्रूक, तो वो क्या है, डब्ल्यू बी ईट्स का ये कलेक्शन ऑफ बुक ऑफ पोएम्स, मतलब या तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऐसा भी आ सकता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऐसे भी पूछ सकता है या बुक ऑफ पोएम्स पूछ सकेगा। द टावर जो कि 1928 में पब्लिश हुआ है कलेक्शन ऑफ पोएम्स के साथ में या बुक ऑफ पोएम्स के नेम से, मतलब बुक ऑफ पोएम्स उसमें है, दैट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ पोएम्स, जिसमें इंक्लूडेड है डब्ल्यू बी ईट्स के पोएम और सेलिंग टू बाइजेंटियम इज वन ऑफ देम, तो ये किसकी बुक है, वर्क है, द टावर जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है दैट इज ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। 20 भी है, डब्ल्यू बी ईट्स डाइड इन किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी, 1937, 1939, 1940 या 1941, तो ईयर आंसर है 1939, ऑप्शन बी इज द आंसर।
इम्पोर्टेंट बात जो करेंगे वो एमसीक्यूज की बात करेंगे. तो द फुल नेम ऑफ द पोयम चिंटन एवे आई वर्ड्सवर्थ, ये क्या है, फुल नेम बताना है वर्ड्सवर्थ की इस पोयम टिंटन एबे का. द लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, अभी तो इसका थोड़ा सा दिया गया है, हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कितना लेंदी है, कभी कभी वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो पूरा देख लीजिएगा. बाकी इसका जो सेकेंड वो है वो दिखाया गया है. या लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, वैसे देखिए कहीं कहीं यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करा गया है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे. लाइन्स द लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ऑप्शन ए करेक्ट है. लाइन्स रिटेन बहुत कम देखने को मिलता है यार किसी ने, बट जो स्पेसिफिकली जो मेंशन है वो लाइन कंपोज्ड लिखा है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. नंबर सेकंड, हाउ डिड द पोयम टिंटन एबे ओपन, टिंटन एबे जो पोयम है वो किससे ओपन होती है, कैसे ओपन होती है. वर्ड्सवर्थ विजिटिंग अ प्लेस टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ टॉकिंग टू हिज सिस्टर, वर्ड्सवर्थ ईटिंग फिश, या वर्ड्सवर्थ टेकिंग टी. तो यहाँ क्या है, वर्ड्सवर्थ विजिटिंग अ प्लेस दैट इज टिंटन एबे. टिंटन एबे जो प्लेस है उससे जब विजिट करते हैं तो इसी से ये पोयम की शुरुआत होती है. थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड, यहाँ पे है, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ राइट पोयम टिंटन एबे, टिंटन एबे जो पोयम है वो वर्ड्सवर्थ कब लिखा है, इन्होंने कंपोज कब करा है. ऑन द जुलाई 13, 1798, जुलाई 13, 1797, अगस्त 7, 1797, या जून 13, 1797. तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, जुलाई, ऑन जुलाई 13, 1798, ठीक है, इस डेट पे ये पोयम जो है वो कंपोज करी गई है. अगला है, व्हाट डज द टर्म पैंथेइज्म मींस, पैंथेइज्म का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए पैंथेइज्म का मतलब क्या है. इस पोयम में भी एक तरीके से यूज करा है वर्ड्सवर्थ ने. तो गॉड एंड नेचर आर टू सेपरेट एंटिटीज, या है गॉड एंड नेचर आर वन एंड नेचर इज ब्यूटीफुल, नन ऑफ दीज. तो बी होगा करेक्ट, गॉड एंड, यहाँ पे जो हम टिक करेंगे दैट इज गॉड एंड नेचर आर वन, कड़कड़ में ईश्वर का विराजमान है, दैट इज कॉल्ड पैंथेइज्म. तो यहाँ पे जो है गॉड एंड ईश्वर नेचर आर वन. फाइव, वी हैव हाउ मेनी इयर्स एगो हैड वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी विजिटेड टिंटन एबे अलोंग द रिवर वे. तो आपको बताना है कि कितने साल पहले वर्ड्सवर्थ ने विजिट किया था, ये पहले ही विजिट कर लिया था टिंटन एबे को, जो वे रिवर है उसके आसपास के एरियाज को, वो था 2, 3, 4, या 5. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 ईयर्स, जैसा हमने बताया. फर्स्ट विजिट 1793 में था, सेकेंड विजिट 1798 में था, तो दोनों में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज ऑफ 5 ईयर्स. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे. सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट टू नेचर इन हिज चाइल्डहुड. अपने बचपने में स्पीकर जो है, जो ये इस पोयम को नरेट जो कर रहा होता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है नेचर के लिए अपने चाइल्डहुड में. द नरेटर वॉज इन ऑ ऑफ नेचर, द नरेटर फाइंड डीपर मीनिंग इन नेचर, या नेचर इज क्रूएल, या नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन ए है, द नरेटर वॉज इन ऑ ऑफ नेचर, मतलब एक तरीके से ऑ मतलब होता है जिसे किसी चीज को देखना सरप्राइज फीलिंग होती है, उसको अमेजिंग फीलिंग जो होती है उसको आप यहाँ पे देखते हो. तो दैट इज द ऑ ऑफ नेचर, नेचर दैट द स्पीकर रिएक्ट्स इन हिज चाइल्डहुड. नंबर सेवन, द लाइन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाय पोर्शन, वर्ड्सवर्थ इज रेफरिंग टू नेचर, हिज सिस्टर डोरोथी, टू एसटी कॉलरीज, या है नन ऑफ दीज. तो इस लाइन से उसे वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं, वो रेफर किसको कर रहे हैं, अपनी सिस्टर को. इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शंस, अपनी सिस्टर, क्योंकि वहां पे उनकी सिस्टर है, उनको वो बता रहे हैं, वो एक तरीके से लिसनर है वहां की, साइलेंट लिसनर है. जब ये पोएम कंपोज कर रहे होते हैं तो दोबारा ये अपनी सिस्टर के साथ में विजिट करते हैं, तो उनसे भी बातें करते हैं, उनको अपनी चीजों को बताते हैं कि नेचर यहाँ पे कैसे ये था और अब कैसा है ये यहाँ का जो एनवायरमेंट है. तो ये सब चीजें जो कह रहे हैं, तो यहाँ पे इफ सॉलिट्यूड और फेयर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, ये बात उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए करी है. नंबर एट, द पोयम टिंटन एबे वॉज पब्लिश्ड इन, टिंटन एबे कब पब्लिश हुआ है, 1795, 1797, 1798 या 1799 में. तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, कब हुआ है ये, 1799
98. ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. 9 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिटेड टिंटन अवे ही वाज इयर्स ओल्ड. देखिए अभी हमने बात की थी क्योंकि पॉइंट्स में ही जो स्टार्टिंग का हमने फैक्ट डिस्कस कराया है इस पोएम से रिगार्डिंग, उसको जरूर एक बार रिवाइज करके जो अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कराया जो आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने हमने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होगा उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा. तो वो टाइम था 23 इयर्स का, 22 इयर्स का, 21 इयर्स का या 20 इयर्स का, जब विजिट किया था वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट टाइम टिंटन अवे को, तो उनकी एज क्या थी, दैट वॉज ऑप्शन ए 23 इयर्स ओल्ड. ही वॉज 23 इयर्स ओल्ड. अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन लाइक अ रो ए आई बाउंड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड्स. कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करा गया है आपको बताना है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में. तो बहुत इजी है इसका, मेटाफर, सिमिली या एलिटरेशन या ऑक्सीमोरॉन. ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि लाइक का यूज करा गया है यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई इट वुड बी सिमिली. ओके, लाइक इज यूज हियर, दैट्स व्हाई. जिस पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो सिमली है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट्स टू नेचर इन हिज एडल्टहुड. एडल्टहुड में यहाँ मतलब अपने वयस्क अवस्था में वो किस तरीके से नेचर को देखता है, रिएक्ट करता है उसको देख करके. स्पीकर ये बोलता है, इसमें आपको बताना है इस पोएम में. तो नैरेटर वॉज इन ऑ ऑफ नेचर, नेचर इज क्रूयल, नेचर इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, द नैरेटर फाइंड्स डीपर मीनिंग इन नेचर. अभी हमने जो क्वेश्चन लास्ट वाला डिस्कस करा था उसमें हमने क्या चाइल्डहुड के बारे में बात की, कि चाइल्डहुड में एक बचपने में नेचर को किस तरीके से जो स्पीकर है, नैरेटर है, वो देखता है. अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने एडल्टहुड के बारे में बात की है. एडल्टहुड मतलब अपने वयस्क अवस्था में नेचर किस को किस तरीके से जो नैरेटर है, स्पीकर है, वो देख रहा है. तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट होगा. नैरेटर फाइंड्स कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी, फाइंड्स डीपर मीनिंग इन नेचर. अब क्या, अब उसको पहले क्या था, पहले एक सरप्राइज फीलिंग होती थी कि नेचर, या थोड़ा सा वो देखता था कि कैसा है नेचर का, क्या है, तब उसको समझ नहीं थी. लेकिन अब क्या है, अब उसको नेचर में डीपर मीनिंग उसको समझ में आती है कि मतलब नेचर किस तरीके से है, अब वो चीजें उसे समझ में आने लगी हैं. तो यहाँ पे आंसर डी होगा. 12, विच साउंड डज द पोएट रिमेंबर फ्रॉम हिज लास्ट विजिट टू टिंटन अवे 5 years ago. विच साउंड्स डज द पोएट, यहाँ पे क्या है, कौन से साउंड को पोएट जो है रिमेंबर कर रहा है, जब वो पहली बारी लास्ट दोबारा जब गया था वो After 5 years, तो जब पहले विजिट पे वहां पे गया था तो कौन सा साउंड उसको वो सुना था, उस चीज को अब दोबारा से वो याद कर रहा होता है. डार्क साइकोमोर या है हेजरो या माउंटेन स्प्रिंग्स या ऑल ऑफ दिस, तो वो क्या कर रहा है, फिर से वही चीजें याद कर रहा है, सब चीज को फिर से एक तरीके से मेमोराइज कर रहा है कि पहले जब मैं आया था तो कैसा था, ये वही चीजें थी और अब थोड़ा सा चेंज हुआ है जो, तो किस तरीके से चेंज हुआ है उसके बारे में वो भी वो बात की है इस पोयम में. तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. नंबर 13, द पोयम डैश स्टार्ट्स विद द लाइन 5 years have passed, 5 summers with the length of the 5 winters. Tintern Abbey, the Thorn, Lucy Gray, या we are 7. तो ये poem जो है, तो 5 years have passed, इससे starting होती है, तो poem जो है, वो है Tintern Abbey. आप जरूर इसमें ध्यान दीजिएगा, question number 13 का A answer सही होगा. देखिए 5 years की जहाँ पे बात हो रही है, तो Tintern Abbey में visit करा था इस poem में, को लिखते हुए उन्होंने ये किया था, तो option आपका A correct होगा. Number 14, The poet feels a strange combination of dash when is looking out at the landscape during his revisit to the Tintern Abbey. तो क्या है, poet जो feels कर रहा है strange combination of, किसका strange combination वो feel कर रहा है, यहाँ पे आपको बताना है. जब वो बाहर देखता है, looking out at the landscape, उस landscape को देख रहा है जहाँ पे वो पहली बारी visit किया था, तो दोबारा visit करने पे क्या उसको feel हो रहा है. His present impressions, the past memory of the place and thought of future when he will look back at the present situation, yeah, hai, all of these, to option D hai, all of these, okay? Option D ko yahan pe hum tick karenge, ye hamara hai. Option D is the answer. 15, we have, which figure of speech is used in these waters rolling from their mountain spring with a soft inland from the poem.
टिंटन एवे बाय वर्ड्सवर्थ, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताना है, पर्सोनिफिकेशन या है ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर या है सिमली। तो ऑप्शन ए है पर्सोनिफिकेशन हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो पर्सोनिफाई किया जाता है। देखो माउंटेन्स, रोलिंग वाटर बोला जा रहा है, वाटर को रोलिंग रोल किया जा रहा है, मतलब अपने आप फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग विद अ सॉफ्ट इनलैंड, रोल कर रहा है वाटर, तो उसमें एक तरीके से आपको लिविंग बनाया जा रहा है, लिविंग वे में प्रेजेंट किया जा रहा है वाटर को, एंड दैट्स व्हाई पर्सोनिफिकेशन वुड बी द फिगर ऑफ स्पीच। 16 वी हैव नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर आर द लाइंस फ्रॉम, ये हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में ही, तो ये लाइन है ऑप्शन डी से, मीन्स ये लाइन हमने ली कहाँ से ली है, ये लाइन हमने ली है टिंटन एबे से, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। 17. The speaker of the poem in Tintinabe is reflecting on his past, his old memory, his friends, his happy marriage, या his present. तो यहाँ पे है his past. His past को अब जब जो स्पीकर है वो किसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है इस Tintinabe poem में, पास्ट को और प्रेजेंट के साथ में, तो यहाँ पे होगा his past. ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 18. डिस्क्राइब द ओवरऑल थीम ऑफ द पोयम टिंटन एबे, ओवरऑल थीम आपको डिस्क्राइब करनी है कि इस पोयम की क्या है, नेचर इज क्रिएटर, हाउ पीपल्स व्यू चेंज ओवर टाइम, हाउ पीपल रिमेंबर दियर पास्ट, या नेचर इज सिंपल एंड हार्श एट द सेम टाइम। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, हाउ पीपल व्यूज चेंज ओवर द टाइम, किस तरीके से लोगों का जो विचार होता है वो किस तरीके से चेंज, जैसा हमने क्या बताया टाइम एंड चेंज इज द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोयम, तो ये है टाइम एंड चेंज, लोगों के व्यूज जो है वो किस तरीके से कुछ टाइम बाद कैसे चेंज होते हैं वो बारे में बात की है टिंटन एबे के, एक इम्पॉर्टेंट थीम है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, एंड जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे विजिट करके इस क्लास को देख रहे हो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जिन्होंने अभी तक नहीं प्रेस किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस आप देखते हो बस सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो उसको जरूर एक बार कर दीजिए, सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, क्लासेस लूँ किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपके लिए चाहे वो UGC नेट का हो, चाहे वो आपका यहाँ पे आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, द हैज रो Hardly has row, little hair lines of supportive wood run wild are the lines from, तो ये कहाँ से है, यहाँ से है टिंटन एबे पोयम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी से लिया गया है, वर्ड्सवर्थ की लाइन है। 20 नंबर वी हैव वर्ड्सवर्थ यूजेस टू एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इन द पोयम टिंटन एबे, वन इज नेचर एंड अदर, दो जो दो एस्पेक्ट बात की है रोमांटिसिज्म के बारे में, दो पहलू के बारे में बात की है रोमांटिसिज्म से रिलेटेड इस पोयम टिंटन एबे में, तो एक तो नेचर है तो दूसरा क्या है अननोन टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ऑप्शन सी पास्ट, ओके पास्ट के बारे में बात की है। 21 वी हैव व्हेन डिड द पोयम फर्स्ट विजिट प्लेस टिंटन एबे, 1996, 1995, 1994 या 1993, ऑप्शन डी आंसर है हमारा, 1993 में फर्स्ट टाइम विजिट किया था इस प्लेस को टिंटन एबे को वर्ड्सवर्थ ने। 22nd we have how does the nature appear in the poem Tintin Abbey, the guardian या the nurse, the guide, all of these, तो option D है all of these, nature guardian भी है, nurse भी है and guide भी है इस poem में, Wordsworth ने इस तरीके से nature को यहाँ पे present करा है Tintin Abbey poem में, और basically उन्होंने अपने mostly poems में nature को teacher, guide, guardian, nurse की तरह ही दिखाया है, एक छोटे बच्चे की तरह दिखाया है अपने पोएम्स में, जो नेचर के बारे में इन्होंने बात की है कि नेचर आपके लिए सब कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो आपकी हेल्प करता है, तो ये इस पोएम में इस तीनों के बारे में बात की है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 23rd वी हैव द लाइन दीज पेस्टोरल फॉर्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर एंड रेट्स अप स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज is taken from the poem Wordsworth, option A, Tintin Abbey. कभी कभी ऐसे unexpected lines को भी as a question पूछा जा सकता है, तो be prepared for that also. Next number 24, which poetic device is used in these pastoral forms green to the very door and it's up smoke sent to in silence from the among the trees, personification, simile, imagery या है metaphor, तो option C, imagery, imagination, एक जो
पोएटिक डिवाइस है उसको एज अ पोएटिक डिवाइस यूज किया है, दैट इज इमेजरी। इमेजरी का मतलब है कि यहाँ पे एक तरीके से आपको वो फील कराया जाता है या आपको उसको विजुअलाइज किया कराया जाता है इमेज के फॉर्म में। तो द पेस्टोरल फॉर्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर, कैसा है, पेस्टोरल फॉर्म है, ग्रीन है, डोर भी है वहां पे, स्मोक अप इन द साइलेंस। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन जो कराया जा रहा है, तो इमेजरी इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इज दिस सेंटेंस इन दिस लाइन ऑफ टिंटर नेबे। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। 25 वी हैव, इन विच पोएम द वर्ड्सवर्थ डज द थियरी ऑफ ब्लेस्ड मूड इज प्रेजेंटेड, प्रीलूड, Kitten at play, yeah, we are seven, Tintin Nebe. So that is option D, Tintin Nebe. 25 we have, the poem Tintin Nebe is written in iambic pentameter, blank verse, free verse, none of, yeah, sonnet form mein hai. So option B ko correct karenge, kyunki ye poem blank verse mein Wordsworth ne likhi hui hai. 27, Tintin Nebe was written by Wordsworth when he was having a walk with sister. Sister ka name batana hai yahan pe, sister ke saath mein, kahan ke वॉक करने पे वो इन्होंने पोयम ये लिखा है टिंटन अभी, कहाँ का वॉक कर रहे थे वो हमने अभी पॉइंट्स में डिस्कस करा था जब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। द रिवर थेम्स, स्कॉटिश ब्रदर, आयरिश ब्रदर या वेल्स ब्रदर, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेल्स ब्रदर, वेल्स बॉर्डर के बारे में यहाँ पे बात होगी। अपना 28 पे है, अगर वहां पे स्टार्टिंग में ब्रदर्स होगा तो प्लीज रिकरेक्ट करिएगा, वो बॉर्डर है वेल्स बॉर्डर्स। Number 28 we have, Wordsworth and his sister Dorothy walked on the Wells borders along the bank of the river. Bank का name आपको बताना है, Trent, Dart, Way या Thames, तो option C है यहाँ पे। और Dorothy का भी बहुत important characterization है जो इसमें present करा है। तो इस poem में किसके साथ वो घूमने गए थे, तो वहाँ पे जरूर दोबारा जब visit करते हैं Tintin Nebe में तो वो उनकी बहन ही होती हैं Dorothy। 29 we have, there is a silent listener in the line in the poem Tintin Nebe, name him or her, to silent listener jo hai is poem mein unki behan hai, to option B is the answer, Dorothy Wordsworth. 30 we have, which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue are the lines from Tintin Nebe, we are seven, Rudamia ya the, to the cuckoo, option A is the correct. ये लाइन्स के बारे में है, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये टिंटन नेबे से ली गई है। 31, like Uru, I bounded over the mountains by the sides in the line from Wordsworth, obviously we have Tintin Nebe, तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। नंबर 32, from which poem did of Wordsworth is the line taken as in a landscape to a blind man's eye, तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, टिंटन नेबे से रिलेटेड ही लाइन्स को हमने यहाँ पे पिक करा है। 33, the poem Tintin Nebe is divided into cantos, कितने cantos में divide किया गया है, तो 5 cantos में divide किया गया है, हमने starting में ही पढ़ लिया था, तो option यहाँ पे हम A correct करेंगे। 33 के बाद 34 का answer करिए, which poetic device is used in the line Tintin Nebe, these has rose, hardly has rose, oxymoron या metaphor, alliteration या simile, तो option C होगा यहाँ पे, alliteration बार बार repetition है यहाँ पे साउंड्स का, तो दैट्स व्हाई ये आपका एलिटरेशन यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। 35, दीज लाइंस वी आर ए लैंड स्लीप इन बॉडी एंड वी केम अ लिविंग सोल आर द लाइंस फ्रॉम द पोयम एंड ऑब्वियसली टिंटन नेबे वुड बी द आंसर, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे हम सभी यहाँ पे। 35 के बाद 36 का आंसर आप दीजिए इसका, व्हाट डू वी कॉल टू द एंशियंट ग्रीक हु बिलीव्स इन सेवरल गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो एंशियंट ग्रीक होते हैं जो कि बिलीव करते हैं अनेकों तरीके के ईश्वर और जो देवियां होती हैं उनमें, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बिलीवर, पैगन या मल्टी बिलीवर, एथेइस्ट, तो ऑप्शन बी इज द पैगन, ठीक है, उनको हम पैगन बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द आंसर। 37, द पोयम टिंटन नेबे इज बाय वर्ड्सवर्थ इज अ लैमरिक, सोनेट, एपिक या ड्रामेटिक लिरिक है, तो ये क्या है आप सभी जानते हो, ऑप्शन डी करेक्ट है, ड्रामेटिक लिरिक पोयम है टिंटन नेबे, ये लैमरिक, सोनेट या एपिक पोयम नहीं है टिंटन नेबे वर्ड्सवर्थ की, दिस इज ड्रामेटिक लिरिक पोयम। नंबर 38, इन 1793 वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन नेबे इन विंटर, फॉल, समर या स्प्रिंग, तो क्या है, अगस्त का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा समर का टाइम है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम समर का टाइम ही पिक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, साउंडिंग कैटरेक्ट
हंटेड वर्ड्स वर्थ लाइक, ये देखिए यहाँ पे लाइन के थ्रू है उसमें, साउंडिंग कैरेक्टर कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक, तो यहाँ पे क्या है, लाइक अ पैसन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द आंसर. 39-40 वी हैव, इन विच सेक्शन ऑफ द पोएम टिंटन एबे डज वर्ड्सवर्थ एड्रेस डोरोथी, किस सेक्शन में इस पोएम के, टिंटन एबे के किस सेक्शन में वर्ड्सवर्थ जो है वो डोरोथी को एड्रेस करते हैं, तो ऑप्शन जो है वो डी है, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बात की थी ना वो, उसके बारे में कि आपको जो देता है कि चाहे आप अकेले हो चाहे आप पेन में हो, तो वो किसके बारे में बात की थी, वर्ड्सवर्थ ने डोरोथी के लिए बात की थी, और किस सेक्शन में बात की थी, तो वो फिफ्थ सेक्शन में बात की थी. एंड 41 वी स्टूड टुगेदर एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर हेदर केम अनवेरीड इन दैट सर्विस रादर से इज अ लाइन फ्रॉम टू द कुको वी आर सेवन एमिया, या है आपका सेवन, यहाँ पे ऑप्शन ए नीचे होना चाहिए था, ये आपका तो ऑप्शन सी है, ये बात की गई है टिंटन एबे में, वर्ड्सवर्थ ने बात की है. 42 वी हैव, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ रिवील्स हिज व्यूज अपॉन नेचर, अपने नेचर के व्यूज के बारे में इन चारों तीनों पोएम्स में से किस में बात की है, उन्होंने टिंटन एबे में बात की है. चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं. जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू एलिजाबेथन प्यूरिटन मेटाफिजिकल, या है आपका नन ऑफ दीज, तो जॉन मिल्टन जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, प्यूरिटन एज से बिलोंग करते, तो ऑप्शन ए बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नंबर 2, हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज अबाउट विच लाइट इज मिल्टन टॉकिंग, किस लाइट के बारे में, यहाँ पे जो लाइट बताया गया है, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो लाइट क्या है जिसके बारे में मिल्टन बात कर रहे हैं अपनी इस पोयम में, रोड लाइट, हिज आई साइट, हिज हाउस साइट, हाउस लाइट, या है नन ऑफ दिस, तो क्या है, ये आप सभी जानते हो, हिज आई साइट, मतलब उनका जो है वो विजन, देखने की जो शक्ति है उसके बारे में मिल्टन ने लाइट के को एक तरीके से डिनोट करा है. ऑप्शन इसका बी भी करेक्ट होगा. नंबर 3 देखते हैं. इन द फर्स्ट 2 स्टैंजाज ऑफ द पोएम द पोएट फील्स हिमसेल्फ फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड, चेयरफुल एंड हैप्पी, री एस्योर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक, या है होपफुल. तो जो पहली 2 स्टैंजा है की 448 लाइन्स, जो ऑक्टेव की हम बात कर रहे हैं, 2 स्टैंजा जो है इसके, वो किसके बारे में बात करा जा रहा है, उस 2 स्टैंजा में पोएट कैसा फील कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो कंप्लेनिंग है, वो डिसअपॉइंटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि अपने आईसाइट के खोने के कंप्लेन कर रहा है, उसमें वो दुख जता रहा है, उस पर अपना एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, डिसअपॉइंटिंग फीलिंग है, सैड फीलिंग्स हैं, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है और डिप्रेस्ड है, फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर 4, गॉड वुड चाइड द पोएट बिकॉज ऑफ नॉट, ईश्वर चाइड यहाँ पे डांटना होगा, डांटना, तो ईश्वर क्यों डांटेगा उसको, बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग ब्रेवरी, यूजिंग ब्लाइंडनेस, या है पोएटिक टैलेंट, या रिलीजियसनेस, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, यूजिंग नॉट यूजिंग पोएटिक टैलेंट, पोएटिक टैलेंट ना यूज करने के लिए वो उसको वो डांटेगा गॉड जॉन मिल्टन को, ऐसा वो सोचता है पहली 2 लाइंस में. 5th नंबर क्वेश्चन है, हिज टैलेंट हैज बिकम यूजलेस बिकॉज ऑफ, उसका जो टैलेंट है वो यूजलेस हो चुका है, किस वजह से यूजलेस हो चुका है वो टैलेंट जो है, वो कौन सा टैलेंट है, पोएटिक टैलेंट है. देखिए पोएटिक टैलेंट की अगर बात आती है तो पोएटिक टैलेंट ही होगा वहां पे, ठीक है, इसको देखिएगा जरूर. हिज टैलेंट हैज बिकम यूजलेस बिकॉज ऑफ लेमनेस, ब्लाइंडनेस, स्पीच, या लेजीनेस, तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ऐसा वो सोचता है, कौन, जॉन मिल्टन सोचता है कि उसका जो टैलेंट है वो किसकी वजह से यूजलेस होता जा रहा है, हो गया है, क्योंकि उसने अपनी, अब वो अंधा हो चुका है. नंबर 6 वी हैव, इन द फर्स्ट लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट मींस, देखिए फिर से वही पे बात हो रही है, लाइट मींस मतलब यहाँ पे आई साइट की बात हो रही है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है, तो इसको मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. 6 के बाद 7, व्हाई मिल्टन थिंक्स दैट गॉड विल चाइड हिम, अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा लेंथी वे में इसके ऑप्शन को दे दिया गया है, थोड़ा डिटेल में ऑप्शन दिया गया है कि व्हाई मिल्टन थिंक्स, मिल्टन क्यों सोचता है कि ईश्वर उसको डांटेगा, ईश्वर से उसको डांट फटकार सुनने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी इन प्रेजेंटिंग हिज ट्रू अकाउंट, या है बिकॉज ऑफ हिज लॉस ऑफ आईसाइट, बिकॉज ऑफ हिज
लॉस ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग ग्रेट सोनेट इन प्रेज ऑफ गॉड. तो यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी को नहीं करेंगे यहाँ पे हम. ऑप्शन ए देखिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया हुआ है. यहाँ पे मेंशन करा है कि मिल्टन क्यों सोचता है कि ईश्वर उसे डांटेगा, क्योंकि वो इनएबल है. क्या है कि मतलब असमर्थ है इन प्रेजेंटिंग हिज ट्रू अकाउंट, अपनी जो ट्रू अकाउंट का यहाँ पे ट्रू पावर, जो अपनी पावर है. पावर किसकी है? पावर ऑफ राइटिंग पोएट्री या पोएटिक टैलेंट. पोएटिक टैलेंट वाली जो उसके अंदर पावर है, वो उसको सही से यूज करने में इनेबल है, असमर्थ है. इसी वजह से उसको डांट मिलेगी. इसलिए नहीं डांट मिलेगी कि उसकी आंखें खो गई हैं या आई साइट उसका जो है देखने की शक्ति उसकी क्षीण हो चुकी है, खो चुकी है. इसलिए उसको डांट नहीं मिलेगी. उसको डांट इसलिए मिलेगी क्योंकि वो अपना जो है, अपना ट्रू पावर जो है, ट्रू अकाउंट जो है, जो वो करने में समर्थ है, कि मतलब वो कविता लिखने में समर्थ है, पोएटिक टैलेंट उसके अंदर ऐसा है, ईश्वर ने दिया हुआ है, और वो उसको करने में असमर्थ है, इसलिए उसको डांट मिलेगी. ये आंसर होगा 7 का. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ये क्वेश्चन जरूर एक बार फिर से पढ़ के आप इसका करेक्ट आंसर समझ जाओगे. नंबर 8, इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स. हिज ओन गिफ्ट्स इन दिस लाइन रेफर्ड. इधर मैंस वर्क या हिज ओन गिफ्ट्स, यहाँ पे ओन गिफ्ट क्या मतलब है इस लाइन में? मिल्टन्स गिफ्ट, मिल्टन्स पोएटिक टैलेंट, या गॉड्स गिफ्ट ऑफर टू मिल्टन, या है मिल्टन्स ब्लाइंडनेस. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि गॉड का जो गिफ्ट है जो मिल्टन को मिला हुआ है वो मतलब है, और हिज ओन गिफ्ट. ठीक है, इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, तो यहाँ पे गॉड्स गिफ्ट ऑफर टू मिल्टन. आंसर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का. 9 वी हैव, इन द लास्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोएट फील्स हिमसेल्फ. लास्ट दो स्टैंजा में पोएट क्या फील करता है? फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेसिड. देखिए अभी क्वेश्चन था कि फर्स्ट टू स्टैंजा में पोएट क्या फील कर रहा है, अब लास्ट के टू स्टैंजा में पोएट क्या फील कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. लास्ट टू स्टैंजा का मतलब यहाँ पे जो सीडी की बात हो रही है उसके बारे में यहाँ पे है. फ्रस्ट्रेटेड एंड डेस्परेट, या है डिप्रेस्ड एंड सैड, चीटेड एंड ग्लूमी, या रीअश्योर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट की लाइन्स में इसको एक तरीके से होप मिलता है. पेशेंस इसका जब इसको आंसर करता है तो ये रीअश्योर्ड हो जाता है कि मैं किस तरीके से ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ, और एक आशावादी अप्रोच के साथ में इस पोयम को एंड करता है, सोनेट को एंड करता है जॉन मिल्टन इसको करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वॉट इज द राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट ऑफ मिल्टन. यहाँ पे सोनेट होना चाहिए. मिल्टन के सोनेट का जो है वो लास्ट राइमिंग स्कीम क्या है? CDC या CDE, CBC, या BCB. तो देखिए इन सब चीजों में स्टार्टिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है. इसका जो राइमिंग स्कीम होता है वो CDE होता है. ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का. 11 की तरफ चलते हैं. मिल्टन सेंट्रल कंसर्न इन द पोयम इज फॉर हिज. मिल्टन का जो सेंट्रल कंसर्न है, जो एक उसका उसकी जो परेशानी है, कंसर्न की बात आप कर लो, जो उस पर वो सोच रहा है, जिस पे उसने पोयम लिखी है, इस पोयम में वो किसके लिए लिखी है? रिमेनिंग डेलाइट, रेपुटेशन एज अ राइटर, फेथ इन गॉड, या इज टैलेंट एंड आईसाइट. तो ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा. हिज टैलेंट यहाँ पे होगा, हिज टैलेंट एंड आई साइट, मतलब अपने टैलेंट और आई साइट के बारे में उसने बात की है इस पोयम में. ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11. प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा चैनल का. जब सब्सक्राइब कीजिए आप सभी, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा. इसमें जब वीडियो कोई भी पोस्ट आप के लिए आता है कम्युनिटी टैब पे, और साथ ही साथ सेशन को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए. अगर आपको क्वेश्चंस और इसके जो अभी हमने एनालिसिस किया इस पोयम का वो आपको पसंद आया हो. आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, हु विल चाइड द पोएट फॉर नॉट यूजिंग हिज पोएटिक टैलेंट? गॉड, एंजल, पेशेंस, या मदर? तो ऑब्वियसली गॉड विल चाइड हिम, ऐसा वो कहता है. मिल्टन कहता है इस पोयम में कि ईश्वर मुझे डांटेगा. तो यहाँ पे है हु विल चाइड, कौन डांटेगा पोएट को? वो ईश्वर डांटेगा. नंबर 13, हाउ मेनी स्ट्रेस सिलेबल्स डज अ पेंटामीटर लाइन कंटेन. क्योंकि ये देखिए ये पोएम है आइम्बिक पेंटामीटर में है, इसके जो सिलेबल लाइन्स हैं उसमें जो सिलेबल्स हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में हैं. तो आपको बताना है कि स्ट्रेस सिलेबल्स कितने होते हैं
अगर हम पेंटामीटर की बात करते हैं एक लाइन में, तो उसमें क्या होता है, फाइव होते हैं, ठीक है। देखिए आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, होते हैं 10 syllables होते हैं, ठीक है, कितने हुए, 10 syllables होते हैं। अब ये किस फॉर्म में होते हैं ये भी आपको समझना है। तो इसमें जो होता है सबसे पहले जो होता है फाइव अनस्ट्रेस होगा, ठीक है, फाइव, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, फाइव अनस्ट्रेस सिलेबल एंड देन फाइव स्ट्रेस सिलेबल, फाइव स्ट्रेस, फाइव नॉन अनस्ट्रेस। तो ये क्या होता है, पहले अनस्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या है, फाइव अनस्ट्रेस सिलेबस, पहले सबसे पहले जो सिलेबल आता है वो अनस्ट्रेस का आता है, ठीक है, फिर स्ट्रेस सिलेबल, ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 के बाद 14, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज नॉट अ रिलीजियस पोएम, अ सोनेट, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम या रोमांटिक ओड। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं है, क्या ये रिलीजियस पोएम नहीं है, क्या ये सोनेट नहीं है, क्या ये एक आत्मकथा रिलेटेड पोएम नहीं है, या एक रोमांटिक पोएम नहीं है। तो ये क्या है, एक रोमांटिक पोएम नहीं है, जबकि आप इसमें एक रिलीजियस पोएम भी है, ये सोनेट तो है ही है, और साथ ही साथ ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि इसमें मिल्टन ने अपने बारे में बात की, अपनी आईसाइट के बारे में बात की है। तो जब पोएट अपने बारे में खुद लिखता है किसी पोएम में या किसी वर्क में, तो वो, या पोएट या किसी कोई राइटर होता है, तो वो उसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है। 15 वी हैव, व्हाट डज मिल्टन सोल विश, मिल्टन सोल का, मिल्टन की सोल का, उसकी आत्मा का क्या विश है, क्या इच्छा है उसकी, ये बताना है। टू सर्व गॉड, टू लाफ एंड वीप विद गॉड, टू थिंक ऑफ प्लेजर, टू रिटर्न द गॉड गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज वन टैलेंट। तो ये क्या है, टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करना ही उसका, उसके सोल का विश है, उसकी यही इच्छा है, यही वो कामना करता है कि मैं क्या करूं, ईश्वर की मैं सेवा करूं, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। तो विश क्या है उसकी, क्या वो चाहता है इस पोयम में, वो चाहता है टू सर्व गॉड। नंबर 15 के बाद 16 है, मिल्टन सोनेट इज, मिल्टन का सोनेट है रिलीजियस, कॉन्सेप्चुअल सोनेट, इंग्लिश सोनेट या एनोड। तो ये क्या है, एक रिलीजियस सोनेट है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको वहां पे करेक्ट आंसर, इंग्लिश सोनेट भी यहाँ पे लिखा है, कॉन्सेप्चुअल सोनेट भी लिखा है, एनोड लिखा है, रिलीजियस भी लिखा है, लेकिन ये रिलीजियस सोनेट है, क्योंकि इसमें गॉड का डिस्क्रिप्शन है, ईश्वर की बात हो रही है, तो ये एक धार्मिक सोनेट है। नंबर 17, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज अ पोयम बाय जॉन मिल्टन, वॉट इज दी अदर नेम। देखिए व्हेन आई कंसीडर, न्यू एस्पिरेंट्स प्लीज, जो नए हो आप एग्जाम में जा रहे हो, अगर पोयम में या किसी क्वेश्चन में आपके व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट आ रहा है, तो वो जॉन मिल्टन की पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में ही बात हो रही है। तो वॉट इज द अदर नेम, एरोपेजिटिका, ये वर्क है जॉन मिल्टन का ही, पैराडाइज लॉस्ट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, सैमसन अगोनिस्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ओके, इज द अदर नेम ऑफ। नेक्स्ट नंबर 18, इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन सेंट्रल कंसर्न इज फॉर हिज साइट, रिमेनिंग डेलाइट, फेथ एंड रिलेशनशिप विद गॉड, रेपुटेशन एज अ राइटर, हमने बात की, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हिज साइट या हिज आई साइट, यहाँ पे हिज साइट, दृष्टि की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। 19, वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज स्टैंजास, ओड, मेटाफर या सोनेट। तो जो स्ट्रक्चर है इस पोयम का वो बेस्ट डिस्क्राइब करना है, तो वो क्या है, वो सोनेट है, ये पोयम कौन सी है, सोनेट है। 20, वी हैव द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन डैश राइम स्कीम, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन या है इटालियन या है फ्रेंच। तो ये क्या है, ऑप्शन ए, पेट्रार्कन राइम स्कीम पे बात हो रही है, ये पोयम लिखी गई है जिसमें ए बी बी ए साथ ही साथ CDE की बात की गई है, ठीक है, ये लाइन लिखी है, तो ये पेट्रार्कन राइम स्कीम है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन पेट्रार्कन राइम स्कीम। नेक्स्ट वी हैव 21, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या है, प्रेज, स्कोल्ड, गिफ्ट या ड्रीम। तो ऑब्वियसली वी हैव द स्कोल्ड, प्रेज, चाइल्ड का मतलब डांटना होता है, तो स्कोल्ड का मतलब भी डांटना होता है, तो ये यहाँ पे मीनिंग पूछा जा रहा है इसका, मतलब चाइल्ड का मतलब क्या है, डांटना, स्कोल्ड, डांटना, ऑप्शन बी। 22, व्हाट
द वर्ल्ड टैलेंट इन मिल्टन सोनेट मीन्स, टैलेंट का मतलब मिल्टन के सोनेट में क्या है, बार बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, तो टैलेंट ऑफ पोएट्री ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट वन वी हैव, हु रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चन इन द पोयम. देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चन इन द पोयम. देखिए अभी हमने यहाँ पे क्योंकि हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने पोयम लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में ये आएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, या व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये ऐसा आ सकता है. हु रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चन इन द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस या व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. तो वो कौन रिप्लाई करता है, वो उसके जवाब, उसके जितने आप उस क्वेश्चन होते हैं या जितने उसके एक तरीके से उसका जो आप बात कर लो उसका कॉन्शियस जो बोलता है वो क्या बोलता है, पेशेंस बोलता है, उसके आंसर आंसर करता है. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. नंबर 24, हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन. मिल्टन ने ओवरऑल कितने सोनेट्स लिखे हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, आंसर करिए इसका. हाउ मेनी, 18, 24, 48 या 28, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 24 सोनेट्स लिखे हैं मिल्टन ने अपने करियर में. तो ये होगा, हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन, तो नंबर ऑफ सोनेट्स दैट आर 24. ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट वी हैव, इन विच व्हाट ईयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, 1608, 1674, 1600 एंड 1667, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1608. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईयर डिड मिल्टन डाई, 1667, 1600, 1674, 1684, तो वो है ऑप्शन सी, 1670. क्यों उसको डिस्कस करेंगे, व्हेन वाज जॉन डन बॉर्न, जॉन डन का बर्थ अगर बात करते हैं 1572, 1576, 1578, 1580, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1572 इज दी year when John Donne was born. Next number question, when he was died, died in 1631, 1629, 1626, 1623, तो वो time क्या था, 1631 का time था, option A correct है. Next we have, Death Be Not Proud first appeared as dash in songs and sonnet in 1633. देखिए songs and sonnet जो था ये एक वॉल्यूम था, पोएटिक वॉल्यूम था जॉन डन का, और इसमें किस वे में ये प्रेजेंट हुआ है, अपीयर हुआ है फर्स्ट टाइम, वो क्या हुआ है, होली सोनेट नंबर 10 के वे में. इसका जो टाइटल था उसमें, जब ये सॉन्ग्स एंड सोनेट पोएटिक वॉल्यूम में 1633 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है, पब्लिश हुआ है, तो उसमें क्या था, होली सोनेट, ये टाइटल दिया गया था. नेक्स्ट वी हैव, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली या इन इमोर्टेलिटी या एक्स्ट्रॉर्डिनरली या इनएविटेबली, तो ये क्या है, ऑप्शन ए है, इंटरनली, इटर्नली, ठीक है, इटर्नली है यहाँ पे, इटर्नली मतलब होता है जो शाश्वत होता है. वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली, मतलब एक शॉर्ट स्लीप पास्ट हो जाती है, जो डेथ के बारे में बोला है इस लाइन के थ्रू जॉन डन ने, तो क्या, वी वेक इटर्नली मतलब हम शाश्वत हो जाते हैं, हमेशा जगे रहते हैं, एक शॉर्ट स्लीप पास हो जाती है, मतलब डेथ के लिए बोला है, डेथ इज लाइक अ शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी निद्रा है डेथ, एंड आफ्टर दैट वी अवेक लाइक इटर्नली, शाश्वत मतलब कभी ना मरने वाला, कभी खत्म ना होने वाली चीज होती है, उस तरीके से हम जग जाते हैं. यहाँ पे डेथ, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है, डेथ इज प्रेजेंटेड एज पावरफुल एंड टेरिफाइंग, लेस पावरफुल एंड ही थिंक्स एज ही इज, या स्टूपिड या एविल, तो पूरी पोयम की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या बताया है जॉन डन ने, लेस पावरफुल दैट ही थिंक्स ही इज. स्टार्टिंग में ही पोएट ने बता दिया है कि आप उतने भी पावरफुल नहीं हुए जितना आप अपने आप को समझते हो, तो इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम क्या हो. डेथ को एड्रेस करते हुए, डेथ को ऐसे परसोनिफाई करते हुए बताया है जॉन डन ने, एंड दैट्स व्हाई डेथ इज प्रेजेंटेड एज लेस पावरफुल दैट ही थिंक्स ही इज इन दिस पोएम डेथ बी नॉट प्राउड. तभी इसका टाइटल देखिए, डी डेथ बी नॉट प्राउड इसका दिया है टाइटल, कि अपने आप पे बहुत घमंड मत करो डेथ, ओ डेथ, डेथ इज अ पर्सन. नंबर 6, डेथ इज कंपेयर टू अ समर डे, अ डार्क नाइट, अ रेस्ट एंड स्लीप, या पॉपी एंड चार्म्स. सिर्फ क्या है, पॉपी एंड चार्म्स से रिलेट करते हुए इसको कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे मेटाफर क्या यूज करा गया है, तो डेथ इज पॉपी एंड चार्म, ऑप्शन डी इज द आंसर. नंबर
7. In this poem, John Donne is afraid of death, challenging death, submitting to death, या resisting death. तो क्या है इस poem में, अगर आप poem आपने अभी मेरी बातों से समझा होगा या क्या है जो मैंने आपको explain किया है इस poem में, उससे अगर आपको समझ में आया होगा तो क्या है, एक तरीके से चैलेंज देते हैं. जैसे लास्ट में उन्होंने क्या बोला है उसको वार्न करते हैं. जब मैंने आपको बताया था अभी, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, इसकी समरी को पढ़ रहे थे, तो हम मैंने आपको बताया कि क्या है कि उसको चैलेंज करते, उसको वार्न करते हैं कि तुमको खुद ही मरना है, तुम अपने आप से ही मरोगे, डेथ अपने आप में ही खत्म हो जाओगे आप, ये चीज बोली है उन्होंने. तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इज द आंसर. तो इसको हम टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, नंबर 8 को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू डन, डेथ इज अ स्लीप टू पॉइजन, चांस या स्लीप या फेट. तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों होगा. यहाँ पे वैसे है चांस, यहाँ पे करेक्ट करेंगे, और फेट का भी ये स्लेव है. तो अगर फेट यहाँ पे होगा तो और चांस भी होगा, तो वहां पे ऑप्शन ए बी सी डी होगा. इसमें हम स्लीप को निकाल करके एक तरीके से सी ऑप्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. तो ये है स्टार्टिंग में, देखिए पोयम में बताया गया है कि आप किसके स्लेव हो, चांस के स्लेव हो, फेट के स्लेव हो, साथ ही साथ आप जो मेडिसिन है उसकी स्लेव हो, किंग्स के स्लेव हो आप, और जो बहुत डेस्परेट लोग हैं उनके आप स्लेव हो. तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऑप्शन सी को ही करेक्ट कर देते हैं, जहां पे ये अब मैंने सी पे मेंशन कर रखा है. तो ये सी होगा, चांस एंड फेट दोनों के ये स्लेव होते हैं. क्या होता है, डेथ जो मृत्यु होती है वो दोनों की स्लेव होती है. नंबर 9, अकॉर्डिंग टू डन, द थिंग दैट इज बेटर देन द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज स्लीप, पॉइजन, पॉपी या ड्रीम्स. तो क्या है वो, दैट इज पॉपी. देखिए इसमें जो पॉपी का मतलब यहाँ पे दिया गया है, इसमें ओपियम दिया गया है. ओपियम इसको एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है. मतलब क्या, ओपियम क्या था, अफीम जो होता है. मतलब डेथ क्या है, डेथ इज बेटर देन स्ट्रोक ऑफ डेथ, स्ट्रोक जो डेथ का स्ट्रोक है वो उससे क्या बेटर है, पॉपी मतलब ओपियम. जब आप ओपियम के नशे में होते हैं, अफीम के नशे में होते हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक अ स्लीप. उसमें इंसान सो जाता है, और चाम जो होता है, चाम जब दिखता है तो उसमें भी उसको बड़ा आनंद आता है, वो बहुत सो जाता है. तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करी गई है जो पॉपी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अफीम. एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है डेथ को. नेक्स्ट नंबर 10, रेस्ट ऑफ डियर बोन रिफर्स टू बोन्स ऑफ एवरीवन, बोन्स ऑफ पोएट्स, बोन्स ऑफ आवर बेस्ट मैन या बोन्स ऑफ रिच मैन. तो यहाँ पे होगा बोन्स ऑफ आवर बेस्ट मैन, ऑप्शन सी इज द आंसर. 11, डेथ बी नॉट प्राउड फर्स्ट अपीयर्ड एज होली सोनेट इन सॉन्ग्स एंड सोनेट एज अ कलेक्शन ऑफ 19 सोनेट्स पब्लिश्ड इन. आपको बताना है जो डेथ बी नॉट पोयम है ये होली सोनेट के वे में या होली सोनेट के टाइटल, होली सोनेट 10 के टाइटल से ये सॉन्ग्स एंड सोनेट में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है 1633 में. ऑप्शन बी इज द आंसर. तो उसमें कितने नंबर थे पूरे सोनेट्स, 19 सोनेट्स थे, ये भी ध्यान दे रहा आप. नंबर 12, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन, व्हेन वी वेक इटर्नली वी शाल बी नो मोर पेन, हंगर या ग्रीफ या डेथ. वी शाल बी नो मोर क्या होगा, डेथ नहीं होगा. जब हम जगेंगे इटर्नली, जब हम जगेंगे मतलब पूरे शाश्वत ढंग से हम जब जगेंगे तो क्या नहीं होगा, हमें डर का भय, डेथ का डर नहीं रहेगा, डेथ का भय नहीं रहेगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा. ये यहाँ पे जॉन डन ने बताया है. 13, वी हैव इन द पोयम डेथ बी नॉट प्राउड, डॉन हैड प्रेजेंटेड डेथ एज अ पावरलेस फिगर, पावरफुल फिगर, मर्डरर या रूलर ओवर हिज सोल. तो दैट इज ऑप्शन ए, पावरलेस फिगर. 14, वी हैव डन कंसीडर्स डेथ एन इमेंस प्लेजर सिमिलर टू स्लीप एंड फन, फन एंड गेम, रेस्ट, स्लीप एंड रेस्ट या रेस्ट एंड गेम. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. वो कंपेयर किसे किया है, डेथ एन इमेंस प्लेजर सिमिलर टू स्लीप एंड रेस्ट. 15, डेथ बी नॉट प्राउड इज अ पोएम ऑफ, ऑब्वियसली वी हैव दिस इज सोनेट, दैट्स व्हाई इट वुड बी इन 14 लाइंस एंड दिस इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस. नंबर 16, डैश आर द पिक्चर्स ऑफ डेथ, वॉर एंड सिकनेस, रेस्ट एंड स्लीप, माइटी एंड ड्रेडफुल, चांस एंड फेट आर द पिक्चर्स ऑफ स्लेव. तो यहाँ पे क्या है, रेस्ट एंड स्लीप आर द पिक्चर्स ऑफ डेथ.
17. The poem Death Be Not Proud is an elegy, ballad, sonnet, epic. This is a sonnet by John Donne. Number 18. Death, according to John Donne, is a slave to fate, chance, kings and death. यहाँ पे क्या होगा? Lines में बताया गया poor man, rich man, desperate man या honest man. तो ये किसका slave है? Desperate man का slave है, जो बहुत desperate होते हैं. That is 19. Number question. In death, be not proud. The poet argues about the mightiness of death, powerlessness of death, foulness of death या है wildness of death. तो यहाँ पे B है option होगा. Powerlessness of death मतलब death के शक्तिहीन है. इसके बारे में इस poem में argue किया है John Donne ने death be not proud title के through. ये subject matter pick करके death को as a subject बना करके उसको powerlessness बताया है, शक्तिहीन विहीन बताया है. नंबर 20 वी हैव डेथ इज अ स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड ऑब्वियसली हमने बात कर ली इसको, तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेस्परेट मैन का स्लेव होता है. 21 वी हैव व्हाट वर डन सोनेट अबाउट रिलीजन कॉल्ड डेथ सोनेट्स या प्रेयर सोनेट्स, होली सोनेट्स या लव सोनेट्स. जो जॉन डन के सोनेट्स हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हैं वो किसके क्या टाइटल से हैं? वो हैं होली सोनेट्स के नेम से. ओके, टोटल नंबर ऑफ 19 सोनेट्स इट हैज. 22. What does eternal means? Happy, long lasting, after death या है everlasting? तो ये option D होगा, everlasting जो मतलब शाश्वत है. Okay? Next 23. A key idea in the poem is death is happiest when he is asleep. Death poisons people या है death does not exist in the eternal afterlife या है death is a bully. तो क्या है इसका idea है इस poem का? जो अगर बात करते हैं की आइडिया तो डेथ इज अ बुली, ऑप्शन डी. यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेथ डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे सी करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिएगा. डेथ डज नॉट एग्जिस्ट इन द इटर्नल आफ्टर लाइफ मतलब मृत्यु के बाद डेथ कुछ नहीं मतलब कर रखता है. जब आप शाश्वत निद्रा में होते हो, शाश्वत उसके बाद जगे ही होते हो आफ्टर अ शॉर्ट स्लीप. इंग्लिश जोन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला है फ्रांसिस बेकन इन हिज एसे ऑफ ट्रुथ गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ रोमन गवर्नर. रोमन गवर्नर का एग्जाम्पल स्टार्टिंग ही में ही इस एसे के देते हैं. ऑफ ट्रुथ के ट्रुथ में उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है. तो वो कौन है? गर्स, ऑक्टोवियस, पेलेट, एरिस्टोटल या नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेलेट, जो कि जीसस क्राइस्ट को जब उनको वहां पे ट्रायल के लिए ले जाया जाता है तो वहां पे उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं या क्या सच्चाई है उसको बिना जाने हुए उनका ट्रायल होता है. और हु वाज द गवर्नर ऑफ रोमन एट दैट टाइम? दैट वाज पिलेट, हु ऑर्डर्ड दिस थिंग, जिसने इस चीज का ऑर्डर किया था. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 2. हु सेड दैट द मिक्सचर ऑफ ट्रुथ एंड लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेस एवरीवन. ये लाइन किसने बोली है? ये रैंडम आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ लाई की बात हो रही है. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बेकन ने ये लाइन बोली है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ लाइंग इज डैश अकॉर्डिंग टू बेकन शेमफुल सिन या इरिटेटिंग या है. यहाँ पे इरिटेटिंग होना चाहिए, आईएनजी, नन ऑफ दिस. तो हम भी अभी हमने डिस्कस करा कि द एक्ट ऑफ लाइंग इज अ शेमफुल एक्ट. दिस इज शेमफुल अकॉर्डिंग टू बेकन. बहुत ही शर्मनाक बात है झूठ बोलना. अगला है, बेकन इन दिस एसे कोट अ लायर इज अ मैन हु इज अ ब्रेव टुवर्ड्स गॉड बट इज कॉवर्ड्स टुवर्ड्स मैन. हु ही कोटेड? एरिस्टोटल, मॉन्टेन, पिलेट या नन ऑफ दीज. किसका कोटेशन ये बेकन ने अपने एसे में कोट किया हुआ है, आपको इसका आंसर देना है. तो वो है मॉन्टेन, जो कि एक इंस्पिरेशन थे बेकन के लिए एसे लिखने के लिए. बेकन ने मॉन्टेन के थ्रू ही ऐसे लिखा है, इनको देख देख के, इनके समझ के, इनको पढ़ करके ऐसे लिखा है. तो एक तरीके से इमिटेट किया है, या आप कह लो इनको गुरु मानते थे, इनके टीचर थे, एज अ आइडल थे. अगला क्वेश्चन नंबर 5, बेकन इन दिस ऐसे टॉक अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंड ऑफ और पीपल हु आर नॉट इजिली कन्विंसिबल. हु आर दे पीपल? जो बेकन ने बात की है इस ऐसे में, कुछ ऐसे
लोगों के बारे में बात की है जो इजीली कन्विंस नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल माइंड होते हैं, स्केप्टिकल माइंड होते हैं, या आपका है मनी माइंड होते हैं, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। स्केप्टिकल माइंड के लोग होते हैं जो कि किसी की बातों से इजीली कन्विंस्ड, हमेशा डाउट में रहते हैं कि मतलब उनको अगर आप कोई चीज बता दीजिए तो वो क्या बोलते हैं कि वो उससे कन्विंस नहीं होते हैं, हमेशा डाउट में ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को संशयी दिमाग वाले बोला जाता है, या संशयी माइंड के जो डाउटफुल लोग होते हैं कि किसी के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। दैट इज द थिंग जिसमें जो बेकन ने यहाँ पे इस ऐसे में बात की है उनके बारे में। अगला है, अकॉर्डिंग टू बेकन, हु एट फॉल्स प्लेजर इन दियर पोइट्री टू रीच अ हायर लेवल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। ये भी बात बेकन ने अपने ऐसे में करी है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेकन के अकॉर्डिंग वो कौन से लोग हैं जो अपनी पोइट्री को हायर लेवल ऑफ अकॉम्प्लिश करने के लिए फॉल्स चीजों का यूज करते हैं, फॉल्स प्रेज करते हैं। जैसे नेचर का हो गया, नेचर को इस तरीके से दिखाएंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे, या किसी ब्यूटीफुल लेडी के ऊपर कोई कविता लिखी जा रही है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि जैसे वो लोगों को प्लेजर दे सके, लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट कर सके और वो लोग उसको पढ़ें, लोग उसको समझें। तो ये कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पोइट्री में फॉल्स चीजों को प्रेज करते हैं, गलत चीजों का या झूठी चीजों की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं कि उनका जो वर्क है वो बहुत हायर लेवल ऑफ अकम्प्लिश वर्क माना जाए। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पोएट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स। नंबर सेवन, फ्रांसिस बेकन वॉज एन एसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट, या आपका है नॉवेलिस्ट। तो एसेइस्ट आप सभी जानते हो, ग्रेट एसेइस्ट ऑफ द रेनेशा एरा। नंबर एट, अकॉर्डिंग टू बेकन, फ्रॉम वेयर द ट्रूथ कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ट्रूथ? गॉड, ह्यूमन कॉन्शियस, या नेचर, या नन ऑफ दीज। तो वो क्या है? गॉड से, ईश्वर से आता है ट्रूथ, ईश्वर के पास से ट्रूथ होकर के आता है और ईश्वर का उसमें एक तरीके से ब्लेंड होता है। ईश्वर का आप ये कह लो कि ईश्वर उसमें एक उनका एसेंस होता है, एक उनका तत्व होता है ट्रूथ में, इसलिए ईश्वर के पास से होकर के आता है, ईश्वर से होकर के आता है। हाउ डज द ऑथर कंपेयर ट्रूथ विथ, ट्रूथ को ऑथर ने किस तरीके से कंपेयर किया है? नेकेड एंड ओपन डे लाइट, या है आपका डार्क एंड नॉट क्लियर, चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग, या है नन ऑफ दीज। तो ट्रूथ को जो किया है वो कंपेयर वो किसे किया है? नेकेड एंड ओपन डे लाइट से। मतलब ट्रूथ क्या होता है, जो सच्चाई हो क्या होती है, वो नेकेड होती है, वो मतलब क्लियर होती है, सब कुछ समझने जानने के लिए होती है। लाई जो होती है वो एक बहुत बाह्य आडंबर उसमें होता है, और ट्रूथ को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल भी उसमें किसी भी तरीके का एक तरीके का डाउट की सब चीजें नहीं रहती हैं। तो इसीलिए जो कंपेयर किया है ट्रुथ को, वो नेकेड एंड ओपन डे लाइट से किया है कि उजाले की तरह होता है ट्रुथ, जो फैला रहता है और सबको एक तरीके से खुशी प्रदान करता है। नंबर 10 वी हैव डैश, यहाँ पे है, सेज दैट द मिक्सचर ऑफ ट्रुथ एंड लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेस एवरीवन। ये किसने बोला है? एसी ब्रेडले, या बेकन, या प्लेटो, या सोक्रेट? यहाँ पे आपका है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका है बेकन, बेकन। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेंगे। नंबर 11, ट्रूथ इज डिफिकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्डवर्क इज अ कोटेशन फ्रॉम बेकन्स एसे। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ बहुत डिफिकल्ट होता है एक्वायर करना हार्डवर्क से। ये कोटेशन बेकन ने कहा, किस एसे में लिखा है, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। ट्रूथ इज डिफिकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्डवर्क एंड दैट्स वाई पीपल गो टूवर्ड्स लाई, पीपल डिसलाइक ट्रूथ, क्योंकि हार्डवर्क से इसको, विदाउट हार्डवर्क इसको एक्वायर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और ये किस ऐसे में बात की है? ये ऑब्वियसली ऑफ ट्रूथ में बात की है बेकन ने। अगला है क्वेश्चन, हु सेज दैट पीपल जनरली डू नॉट केयर फॉर ट्रूथ, किसने बोला है कि पीपल, जो लोग होते हैं वो जनरली ट्रूथ के लिए केयर नहीं करते हैं? वो बोला है बेकन ने, ऑप्शन डी, फ्रांसिस बेकन ने बोला है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नंबर 13, व्हेन वाज बेकन बोर्न, बेकन का बर्थ कब हुआ था? इसका आंसर आपको देना है जनवरी 22, 1561, या आपका है मार्च 16, 1559। तो आंसर है जनवरी 22, 1561 इज द करेक्ट आंसर। फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न ऑन दैट डे, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नंबर 14, व्हेन डिड फ्रांसिस बेकन डाई?
1642, 1626, 1628 या 1630? द आंसर इज ऑप्शन बी 1626। याद रखिएगा ये दोनों एरा, दोनों टाइम, डेट, ईयर की 1561 से 1626 तक का टाइम ड्यूरेशन वो फ्रांसिस बेकन का है। नंबर 15, हाउ मेनी कलेक्शंस ऑफ एसेज वर पब्लिश्ड बाय फ्रांसिस बेकन? कितने नंबर ऑफ कलेक्शंस जो है वो एसेज का कलेक्शन जो है वो फ्रांसिस बेकन ने पब्लिश करा है? 3, 4, 5, 6। तो इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो 3 ऑप्शन ए इज द आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एज अ एसेज फ्रांसिस बेकन को पढ़ रहे हो या इनके एसेज एसेज के बारे में पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 कलेक्शंस ऑफ एसे फ्रांसिस बेकन पब्लिश्ड। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट कलेक्शन, इनकी डेट भी आपको याद करनी होगी, इनके ईयर भी याद करना होगा। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसे बेकन एसे वॉज पब्लिश्ड इन 1594, 1595, 1596, 1597। तो करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन डी 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सेकंड कलेक्शन ऑफ एसे बाय बेकन वाज पब्लिश? सेकंड कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट की बात कर ली 1597 में, अब सेकंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है, 1610, 1612, 1614 या 1615? आंसर इज ऑप्शन बी 1612। अब थर्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एसेज वर देयर इन सेकेंड एडिशन ऑफ बेकन्स एसे? बेकन ने जो सेकेंड एडिशन एसे पब्लिश करा था कलेक्शन ऑफ एसेज का, वो 1612 में किया था। अब आपको बताना है कि उतने उसमें जो कलेक्शन ऑफ एसे था, सेकेंड कलेक्शन ऑफ एसेज बाय बेकन, उसमें कितने नंबर ऑफ एसेज थे? क्योंकि कलेक्शन क्या होता है, संग्रह होता है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एसेज रहे होंगे, तो वो नंबर आपको बताना है 10, 20, 38 या है आपका 42, तो वो क्या है, ऑप्शन सी 38 ऐसे। देखिए 38 ऐसे इनके सेकंड एडिशन में था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 19, थर्ड एडिशन बेकन ऐसे कंटेंड ऐसे कितने ऐसे रखा मिलता है बेकन के थर्ड कलेक्शन ऑफ एसेज में? वो है 36, 58, 38 या है आपका 45, तो ऑप्शन बी होगा 58। ये सब क्वेश्चन फिर से आप रिवर्स करके एक बारी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर एक बारी रिवाइंड करिए, आपको याद करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नंबर नेक्स्ट है, फर्स्ट बुक ऑफ एसेज बाय फ्रांसिस बेकन वाज डेडिकेटेड टू एंटोनी, हु वाज बेकन? आपको बताना है कि जो फर्स्ट बुक ऑफ एसेज, जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज था फ्रांसिस बेकन का, वो किसको डेडिकेट किया था? एंटोनी को डेडिकेट किया था। और एंटोनी कौन था, टीचर, कजन या है आपका उनका फ्रेंड था या ब्रदर था? तो ऑप्शन डी एंटोनी वाज फ्रांसिस बेकन ब्रदर, जिनको इन्होंने फर्स्ट बुक ऑफ एसेज जो था, कलेक्शन ऑफ एसेज था, उसको डेडिकेट किया था। नेक्स्ट नंबर, थर्ड एडिशन ऑफ एसे बाय फ्रांसिस बेकन वाज डेडिकेटेड टू, थर्ड एडिशन एसे का वो फ्रांसिस बेकन ने किसको डेडिकेट किया था, ड्यूक ऑफ बकिंगम या है एंटोनी, प्रिंस ऑफ वेल्स, नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन ए है ड्यूक ऑफ बकिंगम, बकिंगम पैलेस के ड्यूक को ये थर्ड एडिशन ऑफ एसे फ्रांसिस बेकन ने डेडिकेट किया था रेनेशा में। 22, विच एडिशन ऑफ एसेज बेकन वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स? अब देखिए फर्स्ट की हमने बात कर ली, थर्ड की बात कर ली, बचा सेकेंड। तो ये जो होगा, जो प्रिंस ऑफ वेल्स को इन्होंने डेडिकेट किया था, हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स को, वो सेकेंड नंबर ऑफ एसेज कलेक्शन ऑफ एसे रहा होगा, तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये कुछ नंबर ऑफ एसेज एस्पिरेंट। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो ओवर एंड ऑल आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रू सक्सेस क्या है। वेरियस वर्क्स में जो बर्टन रसल ने अपनी फिलॉसफी दी है, अपने थॉट्स दिए हैं सक्सेस के ऊपर, और ट्रू सक्सेस क्या है, नॉट लिविंग अ प्रॉस्परस लाइफ, नॉट लिविंग अ पावरफुल और सोशल स्टेटस फिल्ड लाइफ, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर कंट्री, टूवर्ड्स योर सोसाइटी, यू शुड बी एथिकली truthful, you should be ethically mannered, and you should not be a selfish person, then you are a successful person. और यहाँ पे पहले question को देखेंगे, who is Bertrand Russell, British philosopher, American philosopher, French philosopher या Indian philosopher? तो option A है हमारा, British philosopher है, दार्शनिक है एक तरीके से Bertrand Russell, जिन्होंने दर्शन philosophy के बारे में अपने work में, अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी थिंकिंग के थ्रू उस चीज को दिया है, इंग्लिश लिटरेचर को इम्पार्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। आगे है नंबर 2, व्हाट इज ट्रू सक्सेस अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल, रसल्स एसेज, रसल्स स्टोरी, रसल्स नॉवेल, या देखिए
या यहाँ पे है रसल्स थॉट्स इन वेरियस राइटिंग्स, तो ये है इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी होगा। तो बिल्कुल भी इनपे कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्होंने कोई ऐसा वर्क लिखा है। ट्रू सक्सेस क्या है, बर्टन रसल ने जो लिखा है वो क्या है, ट्रू सक्सेस है क्या, रसल्स के जो थॉट्स हैं इन हिज वेरियस राइटिंग्स, जो उन्होंने वेरियस राइटिंग्स लिखी हैं, वेरियस वर्क्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, उसमें उन्होंने जो फिलोसफी दी है, उसके जो उन्होंने थॉट्स हैं वो है ट्रू सक्सेस। उसको मिला करके ट्रू सक्सेस के बारे में उन्होंने किन किन वर्क्स में बात करी है उसको ट्रू सक्सेस बोलते हैं। थर्ड वी हैव बर्टन रसल इज ऑफ द व्यू दैट ट्रू सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स बट बाय, जो ट्रू सक्सेस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू नहीं नापा जा सकता है, ये बर्टन रसल का व्यू है। किससे नाप आप उसको माप सकते हो ट्रू सक्सेस को, वो किससे माप सकते हो, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, सोशल स्टेटस या फिजिकल कैपेबिलिटी, तो आपका है ऑप्शन ए, दैट इज आप उसको किससे माप सकते हो, इंटरनल सेटिस्फेक्शन। इंटरनली आप सेटिस्फाइड हो देन यू आर अ ट्रू सक्सेसफुल पर्सन। योर सक्सेस इफ यू आर प्रॉस्पेरस, सोशल स्टेटस यू हैव, देन इट कैन एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एथिकल वैल्यूज नहीं है, मोरल वैल्यूज नहीं है, तो आप वो सक्सेसफुल इंसान नहीं हो, ये बर्टन रसल ने कहा है। और ये एग्जैक्टली ट्रू है कि ये आज के टाइम में भी हम कहीं ना कहीं, अगर हमें ये है कि हम सेल्फिश हैं, अपने लिए जी रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ही डिससेटिस्फाइड होंगे, लोगों को देख करके एक नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है, हम ऐसा होता है कि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये चीज है कि ये सब चीजों से, प्रॉस्पेरिटी, सोशल स्टेटस से आपका ट्रू सक्सेस नहीं होता है। आप सक्सेसफुल तभी हो जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो, और इंटरनली सेटिस्फाइड कब होगे, जब आप किसी की हेल्प करते हो, जब आप किसी के काम आते हो, आपको किसी के लिए आप कुछ अच्छा करते हो, तब आप सेटिस्फाइड होते हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल ट्रू सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय पॉपुलैरिटी, स्ट्रेंथ, इनर हैप्पीनेस या एक्सटर्नल हैप्पीनेस, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो वो क्या है, इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस मतलब आत्मिक सुख जो आपका है, आप इससे है तो आप यहाँ पे खुश हो, बाकी कोई चीज मतलब नहीं करता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5, अकॉर्डिंग टू रसल व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू सक्सेस एंड वेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस में, ट्रू सक्सेस में क्या रिलेशनशिप है बर्टन रसल के अकॉर्डिंग। वेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रू सक्सेस, वेल्थ इज इररिलेवेंट टू ट्रू सक्सेस, या वेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रू सक्सेस, वेल्थ इज नेसेसरी फॉर अ ट्रू सक्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को करेंगे, वेल्थ इज इररिलेवेंट टू ट्रू सक्सेस। सच्ची सफलता के लिए क्या है, धन इररिलेवेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बर्टन रसल ने बताया है अपनी फिलॉसफी, अपनी थिंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल ट्रू सक्सेस इज चीफली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए है, दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ट्रू सक्सेस क्या है, सब्जेक्टिव, एवरेज वन, ये सबके लोगों के लिए लागू हो रही है, इंडिविजुअली लागू होनी चाहिए और इंडिविजुअली ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप ट्रू सक्सेसफुल हो, सक्सेस, ट्रू सक्सेस आपके अंदर है, या ट्रू सक्सेस आपके अंदर, आप सक्सेसफुल हो और किस वे में सक्सेसफुल हो, ये बर्टन रसल ने आपको बताया है। 7 नंबर है क्वेश्चन, बर्टन रसल बिलीव्स दैट द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर ऑफन लीड्स टू अनहैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, या है नन ऑफ दीज। तो वो क्या करता है, अनहैप्पीनेस को लीड करता है, रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर। पावर और वेल्थ का जो आपका एक बहुत, जो आपका आपके अंदर होता है ना कि मुझे पैशन है इसका, पावर और वेल्थ का, तो वो क्या होता है, ऑफन आपको लीड कहाँ करता है, अनहैप्पीनेस की तरफ लीड करेगा। कि आप लोग सोचोगे कि मेरे, मैं पावरफुल हो जाऊं, मैं दूसरों को दबाऊं, मैं दूसरों से अपने काम निकलवाऊं, मैं दूसरों को ऑर्डर दूं, तो आगे आप कहीं ना कहीं आप अनहैप्पी होगे, किसी न किसी चीज को अपने कुछ ना कुछ ले करके आप खुश नहीं रहोगे, इनर हैप्पीनेस आपके अंदर वो नहीं होगी। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू रसल बर्टन रसल ट्रू सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय परसुइंग वन्स पैशन, बाय रिसीविंग सोशल फेम, बाय अचीविंग प्रॉपर्टी, या बाय गेटिंग पॉपुलैरिटी। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन ए है,
बाय परसुइंग वंस पैशन, बाय परसुइंग वंस पैशन यू कैन गेट ट्रू सक्सेस. नाइन नंबर, बर्टन रसल्स ओपिनियन, द परस्यूट ऑफ नॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रू सक्सेस, या इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेल्योर, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉल्स सक्सेस, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आर्टिफिशियल सक्सेस. तो ये क्या है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रू सक्सेस. नॉलेज की खोज मतलब ज्ञान की खोज आपको करना, उसके पीछे रहना, परस्यू करना उसको, नॉलेज को, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, एक इम्पॉर्टेंट भाग है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है सक्सेस का, ट्रू सक्सेस का. अगला है नंबर 10, अकॉर्डिंग टू रसल, पर्सनल ग्लैडनेस इज द की इंडिकेटर ऑफ ट्रू सक्सेस, फॉल्स सक्सेस, आर्टिफिशियल सक्सेस या फेलियर. तो फेलियर का नहीं है, यह है ऑप्शन ए ट्रू सक्सेस का. पर्सनल ग्लैडनेस इज द की इंडिकेटर ऑफ ट्रू सक्सेस. नंबर 10, बर्टन रसल बिलीव दैट वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ ट्रू सक्सेस इज सेल्फलेसनेस, हाई एम्बिशन, सेल्फिशनेस या है लस्ट ऑफ पावर. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ जो आपका है भावना, वो आपको क्या करता है, वो की फैक्टर है ट्रू सक्सेस का. अगला है 12, व्हाट इज एसेंशियल टू अचीव ट्रू सक्सेस. एसेंशियल जो चीज है ट्रू सक्सेस अचीव करने के लिए वो क्या होती है, एसेंशियल पार्ट क्या है, मोरल इंटीग्रिटी, पावर, वेल्थ, ऑल द अबव. तो वो क्या है, ऑप्शन ए मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है. 13, प्लीज फ्रेंड्स, अभी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक बारी रिवर्स करके क्लास को जरूर आप देख लीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है. अभी तक जो क्लासेस हमने अपलोड करी है चैनल पे एम्पिटेट ग्रेड वंस के रिगार्डिंग, क्या वो हेल्पफुल है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, प्लीज डू कमेंट और शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में जो कि एम्पिटेट ग्रेड वन मेन्स एग्जाम से रिलेटेड हो. और इसके साथ ही साथ आप सेशन को एक बारी लाइक जरूर कर दीजिएगा. 13 क्वेश्चन को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रसल व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, वेल्थ, फेम, हैप्पीनेस या पावर. अल्टीमेट गोल क्या होता है, हैप्पीनेस होता है, इनर हैप्पीनेस. ओके, इनर हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. जीवन का जो सबसे अल्टीमेट, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो है, एक अंत सुख जो है वो क्या है, वो हैप्पीनेस है. 14, what is true success according to Russell? सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा कि ट्रू सक्सेस क्या है, ऑप्शन ए है, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हैप्पीनेस, ये ट्रू सक्सेस है. नंबर 15, when did Bertrand Russell get Nobel Prize for Literature? लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किस ईयर में मिला हुआ है, 1932, 1939, 1945 या 1915? 50, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, 1950. नेक्स्ट वी हैव, बर्टन रसल वाज अ डैश फिलोसोफर एंड इंटेलेक्चुअल, आयरिश, डच, ब्रिटिश या जर्मन. तो वो क्या है, एक ब्रिटिश फिलोसोफर है, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे. 17, बिसाइड्स फिलोसोफर एंड इंटेलेक्चुअल, बर्टन रसल आल्सो वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, डिटेक्टर या लाई या बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने जब स्टार्टिंग में बात किया था तो ही वाज मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, क्रिटिक एंड आल्सो ग्रेट फिलोसोफर, ब्रिटिश फिलोसोफर. तो ऑप्शन ए भी, मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन ही वाज बोथ. तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे. 18 वी हैव, व्हेन वाज बर्टन रसल बॉर्न, बर्टन रसल का बर्थ कब हुआ था, किस ईयर में, आंसर देना है 1872, 1873, 1877, 1878. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1872. वी हैव द नेक्स्ट वन, व्हाट वाज फुल नेम ऑफ बर्टन रसल, बर्टन रसल का फुल नेम क्या था, आपको उसका आंसर देना है. बर्टन विलियम रसल, बर्टन आर्थर विलियम रसल, जॉन बर्टन रसल या है आर्थर बर्टन रसल जेरी. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बर्टन आर्थर विलियम रसल वॉज द फुल नेम ऑफ रसल. 19 के बाद 20 क्वेश्चन है, वेयर डिड बर्टन रसल गेट एजुकेशन, बर्टन रसल ने एजुकेशन कहाँ से ली, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज, रिडले हॉल, कैम्ब्रिज या नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इज द. इंग्लिश लैंग्वेज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है. The first one we have here, according to Swami Vivekanand, the two nations
नेशनल आइडियाज ऑफ इंडिया आर, तो नेशनल आइडियाज जो है इंडिया के वो क्या हैं आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है रेनन्शिएशन या एंड सर्विस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, या है सर्विस एंड कमिटमेंट, या है ऑनेस्टी एंड सर्विस। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे हम रेनन्शिएशन एंड सर्विस का जो मतलब करेंगे त्याग और सेवा, ठीक है, ये हमारा है त्याग और सेवा। दिस इज द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, जो उन्होंने पेट्रियोटिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी इन सब के बारे में, मदरलैंड के बारे में बात की है, और मदरलैंड ऐसे में तो स्पीच में, तो इसमें क्या बात की है उन्होंने, त्याग और सेवा के बारे में बात की है कि वी शुड सेक्रीफाइस थिंग्स एंड सर्विस टू आवर मदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है द सोल ऑफ इंडिया सीज स्वामी विवेकानंद लाइज इन, सोल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे मिलती है, सर्विस, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन, या आपका है जुडिशरी, तो वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे है रिलीजन में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी में मिलता है, जो सोल ऑफ इंडिया है। भारत की आत्मा कहाँ पे है, इसके धर्म में है, इसकी स्पिरिचुअलिटी में है, इसके अध्यात्म में है। नेक्स्ट नंबर थ्री डैश है यहाँ पे, इज द बेस ऑफ आवर नेशनल कैरेक्टर, जेलेसी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, या टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन सी होगा, रिलीजन इज द बेस ऑफ आवर कंट्री, आवर नेशन, आवर नेशंस कैरेक्टर, ओके, रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ ऑल रिलीजियस, रिलीजन, सिविलाइजेशन, नेशन, या है नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया, अभी हमने इसको पढ़ा था, इसके बारे में बात की थी कि जो भारत है स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग, भारत क्या है, सभी सिविलाइजेशन का, सभी सभ्यताओं का माता है, या इसका जो ओरिजिन हुआ है, सभी सभ्यताओं की उत्पत्ति कहाँ हुई है, भारत में हुई है, इंडिया में हुई है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द आंसर। फाइव वी हैव वेयर स्वामी विवेकानंद हैड गिवन हिज स्पीच ऑन आवर मदरलैंड, ये है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच जो है वो कहाँ पे दी थी आवर मदरलैंड के ऊपर, दैट इज कोलकाता, कैलकाटा, बेंगलोर, लाहौर, या कराची, जो तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, लाहौर, दैट इज करंटली इन पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, तो ये स्पीच कहाँ दी थी, लाहौर, और लाहौर के पाकिस्तान के लाहौर शहर में दी थी। नंबर सिक्स वी हैव व्हेन स्वामी विवेकानंद हैड गिवन हिज स्पीच इन लाहौर पाकिस्तान, मतलब बताना है कि किस ईयर में स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच जो है वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में दी थी, नवंबर 1979, नवंबर 1985, नवंबर 1897, या है नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नवंबर 1897, ध्यान दीजिएगा ये ईयर था जब इन्होंने लाहौर में आवर मदरलैंड के ऊपर स्पीच दी थी, इसके पहले 1893 में इन्होंने शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी। नेक्स्ट वी हैव सेवन नंबर, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद इंडियाज ग्रेटनेस लाइज इन, अभी हमने बात की थी, तो स्पिरिचुअल आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज, या इकोनॉमिक आइडियाज, या नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे है कहाँ पे लाई करती है, रिलीजियस या स्पिरिचुअल आइडियाज में है। इंड भारत की जो ग्रेटनेस है, भारत की महानता कहाँ है, स्पिरिचुअल आइडियाज में है, जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के बारे में इसने, इंडिया ने वर्ल्ड को बताया है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड ऑप्शन ए इज द आंसर। एट है स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 1763, 1736, 1836, 1863 या 1836, तो ऑप्शन है 1863, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर एट। नंबर नाइन, स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन, कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, ये है हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, कैलकाटा, कलकत्ता में, ओके, जिसको हम कैलकाटा, और करेंटली हम इसको कोलकाता बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 10, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद डाइड, स्वामी विवेकानंद का डेथ आपको बताना है किस ईयर में हुआ था, 1901, 1902, 1903 या 1904, ऑप्शन बी इज द आंसर, 1904,
2 is the correct answer of the question number 10. Number 11, at which age Swami Vivekanand passed away? Swami Vivekanand किस ईयर में, किस एज में, सॉरी किस एज में, 1902 में तो पास्ड अवे हो चुके थे, उनकी डेथ हुई थी, बट किस एज क्या थी उनकी जब उनकी डेथ हुई थी? 39, 38, 37 या 36? तो ऑप्शन है 39 ईयर्स का. 39 ईयर्स के वो थे जब उनकी डेथ 1902 में हुई थी. 12 वी हैव, व्हाट वाज द थीम ऑफ द हिज स्पीच डिलीवर्ड एट शिकागो? शिकागो में जो उन्होंने डिलीवर किया था 1893 में स्पीच, उसकी थीम क्या थी? Languages, English and Bengali, या है India and Hinduism, India and Independence, या है none of these. तो India and Hinduism के बारे में उन्होंने 1893 में स्पीच दी थी, वो भी कहाँ? अमेरिका के शिकागो शहर में दी थी. 13, we have the original name of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand का original name क्या था? Brinendranath, Surendranath, Narendranath, नरेंद्रनाथ दत्त, या है none of these. तो ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट वाज हिज नेम. अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो है नरेंद्रनाथ दत्त. ऑप्शन सी इज द आंसर. 14, हु सेड स्वामी विवेकानंद एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, इनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, या है नोएता सुभाष चंद्र बोस या सिस्टर निवेदिता. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी जो उनकी मॉडर्न थिंकिंग थी अबाउट एजुकेशन, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट पेट्रोटिज्म, तो उन्होंने क्या बोला कि ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. दैट वॉज सेड बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस अबाउट स्वामी विवेकानंद. तो दिस वॉज ऑल वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस चैप्टर, यूनिट नंबर 18 फ्रॉम एमपीटेट ग्रेड 1 मेंस एग्जामिनेशन. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग एंड लर्न, और प्लेलिस्ट ये लास्ट के जरूर चेक कर लीजिए. थैंक यू.